नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले बेस्ट पेन स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट कुछ हफ्तों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो जो स्टॉक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो हैं इंडिया स्टील वर्क्स, जिसमें 70% का आपको वीकली गेन देखने को मिला, श्री हविसा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 40% का वीकली गेन देखने को मिला, ऑन्टेक फिनसर्व, जिसमें तकरीबन 42% का वीकली गेन देखने को मिला, सुपर टेनरी, जिसमें 41% का गेन देखने को मिला, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जी लर्न। ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनमें अच्छी खासी आपको इस वीक मूवमेंट देखने को मिली है। शुरू करते हैं इंडिया स्टील वर्क से। अगर आप इसका एक वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें ग्रोथ दिखाई देगी, अच्छी खासी इसमें मूवमेंट आई है स्टॉक में। अगर कंपनी के डे की बात करें तो 7.92 पे तकरीबन 8 रुपए के आसपास इसका स्टॉक्स जो बंद हुआ था। 6 महीने का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे 125% का रिटर्न है, सालाना रिटर्न जो है 270% है, मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 315 करोड़ का है और वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा तकरीबन 58 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो देखिए मार्केट कैप 315 करोड़ है, पीई रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है कंपनी का, इंडस्ट्री पीई वैसे 19 है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी तकरीबन 2% का है। रेवेन्यू देखिए, अगर हम देखें तो रेवेन्यू में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिला है, लेकिन क्या है, एटलीस्ट लॉस नहीं है कंपनी को, तो कंपनी रेवेन्यू में तकरीबन ग्रोथ ही कर रही है। प्रॉफिट की बात करें तो देखिए तकरीबन तकरीबन देखिए आप पहले लॉस में थी कंपनी, इससे लास्ट क्वार्टर में देखिए कंपनी ने तकरीबन 6 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है और इससे लास्ट क्वार्टर में अभी करंट क्वार्टर में थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन उम्मीद यह है कि पिछले ट्रेंड को देखते हुए कंपनी वापस प्रॉफिट करेगी। कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करें तो देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है लॉन्ग टर्म में, और 52 वीक हाई इसने बनाया है। अगर इसकी कैपिटल है जो इससे प्रॉफिट जो है लास्ट 2 ईयर में लगातार जनरेट हो रहा है। अगर वीकनेस की बात करें तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट है, अर्निंग एंड कंपेरिजन में पेट्रोस की स्कोर लो है, इनका फाइनेंशियल बिकॉज थोड़ा सा अभी डाउन है बिकॉज लास्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में इनको जो है हल्का सा लॉस देखने को मिला, कैश फ्लो इनका जो है डिक्रीज है। अपॉर्चुनिटी की बात करें इस स्टॉक में तो इसने रिकवरी की है पिछले लास्ट 52 वीक से लो से, और पी इसका अंडर 10 ही है अभी भी। इसका अभी जो थ्रेट है कंपनी का तो जो कर्जा है, कर्जा इनका बढ़ रहा है, अगर कर्जे में थोड़ा सा ये कंपनी कंट्रोल कर ले तो काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास 50% है, प्रमोटर के पास 48% है, इंस्टीट्यूशन के पास 1% है और एफआईएस के पास 0.07% है। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, प्रमोटर की जो प्लेजिंग है वो अनचेंज है, इट मीन्स कंपनी में प्रमोटर का भरोसा है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है स्टॉक की। इन्होंने जो है बीएससी को अभी अपना एक लेटर दिया है क्लैरिफिकेशन का कि जो मूवमेंट हुई है प्राइस में वो मार्केट ड्रिवन है, इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं है। तो देखिए बीएससी को जो इन्होंने नोटिस दिया है, इस नोटिस में इन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, तो पॉजिटिव बात है, जो भी स्टॉक में कोई आपको गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अब अगले स्टॉक की बात करें तो वो है श्री हविशा हॉस्पिटैलिटी, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनका तकरीबन 1 वीक का देखे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है स्टॉक में, अभी करंटली 2.54 पे इनका स्टॉक चल रहा है। 6 महीने का रिटर्न देखिए 15% है, 1 साल में तकरीबन 50% के आसपास का रिटर्न दिया है, मार्केट कैप 42 करोड़ का है, वॉल्यूम अभी थोड़ा कम है इस स्टॉक में। फंडामेंटल की बात करें तो देखिए मार्केट कैप तकरीबन अभी अभी 84 करोड़ के आसपास है करंटली, पीई रेशियो अभी जो है इसका अवेलेबल नहीं है, पीबी रेशियो 3.18 है, इंडस्ट्री का पीई काफी हाई है 65 के आसपास, और डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 1.30 है। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए तकरीबन बढ़ ही रहा है, एक स्टेबल रेवेन्यू है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट जो है अभी तो कंपनी को हुआ नहीं है इस साल फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन हाँ इन्होंने अपने लॉसेस को कम किया है तकरीबन 50% किया है, पहले लॉस कम थे अचानक से लॉस बढ़े हैं, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा काबू किया है। इनके शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो देखिए स्ट्रेंथ है शॉर्ट मीडियम रेंज मूविंग एवरेज, इनका जो है प्राइस ऊपर है, नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन थोड़ा बढ़ रहा है, कंपनी का डेट कम है सबसे अच्छी चीज है। रेड फ्लैग की बात करें देखिए हाई इंटरेस्ट पेमेंट है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखिए कोई ग्रोथ है नहीं, कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफिट को, ग्रोथ जो है कम हुई है पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर में पिछले के मुकाबले, स्टॉक का पी रेशियो कम है, आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ है। अगर ट्रेड की बात करें तो नॉन कोर इनकम में थोड़ा सा इनका है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए पब्लिक के पास 65% है, प्रमोटर के पास 34% है, एफआईएस के पास 0.39% है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर भी अनचेंज है, तो कंपनी में देखिए कम प्रमोटर का जो है विश्वास बना हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। वहीं ऑनटेक फिनसर्व की बात करें तो देखिए इनका स्टॉक भी तकरीबन आपको जो है मूवमेंट काफी अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर कंपनी का एंडिंग मार्क बोले तो 0.73, 1 रुपये से कम में इसने क्लोज किया है। 6 महीने का रिटर्न 10% है, 1 साल का रिटर्न 15% के आसपास है, मार्केट कैप 6 करोड़ का है, वॉल्यूम इनका 9 लाख का है। अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो एज सच ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल है नहीं, इंडस्ट्री का पी 26 है, उसके इसका पी कम से कम 10 के नीचे ही है। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू है,
कोई ग्रोथ देखने को नहीं है रेवेन्यू में, बट लॉस नहीं है कंपनी को। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट तो अभी कंपनी को हुआ नहीं है, बट इन्होंने अपने लॉसेस पे काफी अच्छा खासा, आप देखिए, बहुत काबू किया है। 2.5 करोड़ के लॉस से तकरीबन 12 लाख पे लाए हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है फ्यूचर के लिए कंपनी की। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मूविंग एवरेज से प्राइस इनका ऊपर है, कंपनी के पास डेट नहीं है, जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। और वीकनेस की बात करें तो देखिए कैपिटल का ये सही से यूज नहीं कर पा रहे, पिछले 2 साल में इनका एज सच कोई प्रॉफिट हो नहीं पाया है जो भी इनके पास कैपिटल है। शेयर होल्डर के फंड भी जो है सालों साल गिरते जा रहे हैं, असेट से जो भी है प्रॉफिट का जनरेशन नहीं हो पा रहा है इनका। पी रेशो कम है, RSI जो है प्राइस स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, थ्रेट हमें एज सच डेटा क्योंकि स्टॉक का ज्यादा अवेलेबल नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग है, तो इनके जो प्रमोटर हैं उनके पास तकरीबन 1% क्या बट पब्लिक में है। अगर हम बात करें जो है सुपर टेनरी की तो तकरीबन 13 रुपये के आसपास का भी ये स्टॉक ट्रेड में कर रहा है, पिछले एक हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये बात है। कंपनी के डिटेल की बात करें तो देखिए 6 महीने का रिटर्न तकरीबन 46%, 1 साल का रिटर्न 55%, मार्केट कैप देखिए 146 करोड़ है, वॉल्यूम तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का है, 23 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, देखिए 145 करोड़ के इसके फंड जो है मार्केट कैप है, पी रेशियो 21 का है, इंडस्ट्री का पी 61 है लेकिन इनका पी रेशियो देखिए 21 के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका जो है 0.81 है। रेवेन्यू की बात करें देखिए आपको लगातार इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा रेवेन्यू में, रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें आप, प्रॉफिट देखिए स्ट्रीमलाइन है, लगातार कंपनी जो है हर साल प्रॉफिट में अपनी ग्रोथ दिखा रही है, तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। इनके स्ट्रेंथ की बात करें देखिए प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है, रेवेन्यू हर क्वार्टर में इनका बढ़ रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, बुक वैल्यू पर शेयर बड़ी है। वीकनेस देखिए कैश फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है और प्रमोटर की प्लेजिंग थोड़ी सी हाई है, एज सच उतना कोई ज़्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स इसमें आस की नहीं। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 58% है, पब्लिक की 41% है, प्रमोटर्स के नाम ये हैं। और अब इस कंपनी को आप देख सकते हैं, अभी तक जो हमने स्टॉक्स कवर किया उनमें काफ़ी मजबूत ये दिखाई दे रही है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए 2.22 रुपये पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है, 2.22 रुपये पे अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है पिछले एक हफ्ते से। कंपनी की डिटेल करें तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस 2.21 रुपये का था, 6 महीने का रिटर्न जो है इनका 30% का है, 1 साल का रिटर्न 122% का है, मार्केट कैप की बात करें तो 2800 करोड़ का है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में, आप वॉल्यूम देखिए तकरीबन 4.5 करोड़ का वॉल्यूम है, तो स्टॉक में लिक्विडिटी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो भी अच्छा खासा है, इंडस्ट्री पी 20 है, डेट टू इक्विटी रेशियो का माइनस में है, रेवेन्यू देखिए आप स्ट्रीमलाइन है, आपको कोई इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट की बात करें देखिए प्रॉफिट अभी तो इनको करंटली हुआ नहीं है एसेट, बट आप लॉसेस को देखिए इन्होंने कितना ट्रिम किया है, तकरीबन 18 करोड़ के आसपास इनके लॉसेस थे, वहां से ये 600 करोड़ पे ले आए हैं, तो फ्यूचर में हमें लगता है कि और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी में। स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट और मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। वीकनेस की बात करें हाई इंटरेस्ट पेमेंट है, कैश जनरेट हो नहीं पा रहा है कोर बिजनेस से, कैश फ्लो थोड़ा कम है, कंपनी का रेवेन्यू तो ऐसा देखिए ग्रोथ देखने को मिले लेकिन इन्होंने लॉसेस कम किए हैं। रिकवरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी हुई है, पी रेशियो कम है, नॉन कोर इनकम में इनकी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है थ्रेट्स में, और RSI जो है प्राइस की वीकनेस को दिखाता है। अगर प्रमोट होल्डिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर की 3% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 60% है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 37% है, और FII का तकरीबन तकरीबन 0.12% का इसमें हिस्सेदारी, तो FII का भी थोड़ा बहुत विश्वास है, तो कंपनी में आप देखिए स्ट्रांग है ना, तो देखिए बस एक ही कंसर्न है कि प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो होप सो फ्यूचर में ये प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा जीलन, तो जीलन में देखिए ये स्टॉक है मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी, तो उस कारण से इसमें जो है पूरे हफ्ते में तकरीबन 0.5% की गिरावट आई है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर कंपनी की डिटेल की बात करें तो लास्ट प्राइस 10.13 रुपये पे बंद हुआ था, 6 महीने का रिटर्न तकरीबन 63% है, 1 साल का रिटर्न देखिए 62% का रिटर्न दिया है, मार्केट कैप 338 करोड़ है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है 33 लाख के आसपास, तो स्टॉक में आप देख सकते हैं डेली ट्रेडिंग हो रही है। पी रेशियो की बात करें 2.20 रुपये का है, डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 1.97 रुपये है, 1.97 है, इंडस्ट्री पी थोड़ा हाई है उसके कंपैरिजन में इनका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आप देखिए बड़ा तो ऐसा सच नहीं है लेकिन जो है इन्होंने एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, देखिए 282 से 344 करोड़, फिर 378 करोड़ जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन नहीं है। प्रॉफिट की बात करें आप लास्ट क्वार्टर देखिए लास्ट ईयर का शानदार, कोविड के बाद थोड़ी सी ग्रोथ करी, फिर लॉसेस हुए, ऑपरेशन को कंसोलिडेट किया, 2023 में आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिला, देन आप देखिए लॉसेस से सीधा 156 करोड़ का प्रॉफिट, काफ़ी अच्छी खासी आप कह सकते हैं इसमें आपको मतलब 100-200% जो है इन्होंने ग्रोथ की है, तकरीबन 500-600 करोड़ का इन्होंने लॉस से अपने आप को ऊपर लाए हैं।
तो 156 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी अप्रिशिएबल है। अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है, एनुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, स्टॉक अभी 52 वीक हाई के आसपास है। और अगर वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, कैश फ्लो थोड़ा कम है कंपनी का, और क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट एज सच उतना बड़ा नहीं है, हल्की सी उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका पी रेशो काफ़ी कम है, RSI जो है प्राइस को स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, और थ्रेट्स की बात करें तो प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात कर देखिए, 78% जो है तकरीबन पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास 15% है, FIS के पास तकरीबन 6% है, और अदर इन्वेस्टर्स के पास 0.003 है। तो आप देख सकते हैं होल्डिंग भी अच्छी खासी है, FII का इन्वेस्टमेंट भी है, ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। धन्यवाद।